ये बहुत बड़े सुपरस्टार की बेटी हैं और इंडस्ट्री में आते ही इन्हें सक्सेस नहीं बल्कि मिला बहुत बड़ा फेलियर। और अगर बात करें करंट सिनेरियो की तो आज टीआरपीज़ के मामले में इनको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सका है। टीवी की समझ जितनी इन्हें है या फिर यूं कहें कंटेंट की समझ जितनी इन्हें है उतनी शायद ही किसी को होगी। एक स्टार किड होते हुए भी इन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूकमर्स। सिर्फ टीवी को ही नहीं बल्कि इन्होंने फिल्मों को भी दिए हैं बहुत ही बेहतरीन सितारे। इनके कंटेंट की वजह से सैटेलाइट में एक बूम आया और बहुत सारे चैनल्स आने लगे। इन्होंने इंडिया में डेली सोप्स का ट्रेंड शुरू किया। आज इन्हें जाना जाता है टीवी जरीना या टीवी की क्वीन के नाम से। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज बात करेंगे एकता कपूर की। एकता कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बातें आज हम आपको बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब, क्यों और कैसे में आज हम आपको बताएंगे कि कब एकता कपूर इंडस्ट्री में आई और आते से ही बुरी तरह फेल हो गई। क्यों एक स्टार किड होने के बावजूद वो एक्टिंग में नहीं आई और कैसे आज वो है बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की मालकिन। सब जानते हैं एकता कपूर जितेंद्र की डॉटर हैं, इसीलिए उनका बचपन तो बहुत ही आलीशान तरीके से गुजरा है। उन्होंने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की और इसके बाद मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। एकता कपूर को लाइफ में कुछ नहीं करना था, उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर कुछ सोचा ही नहीं था। वो बस दोस्तों के साथ पली बड़ी हैं और उन्हीं के साथ पार्टी और मजे किया करती थी। लेकिन कॉलेज खत्म हुआ तब एकता कपूर को फैमिली की तरफ से प्रेशर आ गया। जितेंद्र ने कह दिया कि मैं यहाँ तक जो आया हूँ, मैं एक एक सीढ़ी चढ़कर आया हूँ और मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तब फैमिली वालों के सिर्फ दिखावे के लिए एकता कपूर ने एक एड एजेंसी ज्वाइन कर ली, लेकिन वहाँ पर भी वो इसलिए जाया करती थी क्योंकि उन्हें घर से फटकार मिली थी और उन्हें कैसे ना कैसे कुछ टाइम घर से दूर बिताना था, तो इसीलिए वो एक कैजुअल तरीके से इस जॉब को ले रही थी। इसी दौरान जितेंद्र को एक बहुत अच्छा ऑफर मिला। लंदन बेस्ड एक टीवी चैनल था जिसका नाम था टीवी एशिया और उसके लिए कंटेंट बनाने का काम जितेंद्र को ही मिला था। जितेंद्र ने उस टाइम एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी अपने एक पार्टनर केतन के साथ में और उन्होंने इस प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी एकता कपूर को दी। एकता कपूर को ये काम बहुत ही सेफ वाला लगा क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म ऑलरेडी था, उन्हें बस अब काम करना था। और एकता कपूर उन दिनों अमेरिकन सीरियल्स भी बहुत ज्यादा देखती थी, इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये काम तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगी। एकता कपूर ने इसके बाद एशिया टीवी के लिए 5 से 6 पायलट कैप्सूल्स तैयार किए, लेकिन तभी पता चला कि ये टीवी चैनल तो आने ही नहीं वाला है। इसके बाद एकता कपूर के वो सारे पायलट्स भी बेकार हो गए, साथ ही उनके फादर की जो पार्टनरशिप थी केतन के साथ में वो भी टूट गई थी। और अब इन सब चीज़ों में जितेंद्र का बहुत सारा पैसा एकता कपूर ने डुबवा दिया था। तो यहीं पर एकता कपूर के साथ जब ये फेलियर हुआ तब पूरी इंडस्ट्री ने एकता कपूर के बारे में बातें करना शुरू कर दी थी। एकता कपूर के लिए ये बहुत ही जोर का झटका था। वो फेल हुई इस चीज़ का गम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पापा के पैसे भी डुबवा दिए थे। वो इस बोझ को नहीं झेल पा रही थी। इसी दौरान उनके पास जो भी पैसा था उसमें से उनके पास 2 लाख रुपए थे। उन रुपयों को यूज़ करके उन्होंने एक सीरियल के लिए पायलट वीडियो बनाया। तब उनके पास ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने जुहू स्थित कृष्णा बंगलो के बेसमेंट से ही अपने ऑफिस की शुरुआत की और उन्होंने हम 5 का पायलट वीडियो बनाया। ये वीडियो उन्होंने जब जी टीवी को दिखाया तो उन्हें बहुत पसंद आया और इस तरह से शुरुआत हुई एकता कपूर के टीवी के सफर की। ये सीरियल इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि एकता ने जितने पैसे खोए थे उतने कमा भी लिए थे। साथ ही अगर बात करें इस सीरियल की तो इस सीरियल से एकता कपूर ने इंडस्ट्री को दी एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस विद्या बालन के रूप में। इसी दौरान उन्होंने साउथ में भी हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन एकता कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि साउथ वालों को स्पेशली नॉर्थ वालों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो इतना ज़्यादा उन्हें एंटरटेन नहीं करते हैं। तब एकता कपूर ने एक नया रास्ता अपनाया, उन्होंने भगवान के रास्ते साउथ में जाने की कोशिश की। आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, एकता कपूर ने तब रजनीकांत से मदद ली और उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई
तब रजनीकांत ने सन टीवी को कॉल किया और वहां पर एकता कपूर की मीटिंग सेट करवाई और वहां से शुरू हुआ एकता का साउथ की तरफ का सफर। उस दौरान उन्होंने एक सीरियल किया था, ये सीरियल था कुदुम्बम, जिसे बाद में ईयर 99 में घर एक मंदिर के नाम से हिंदी वर्जन में बनाया गया। इसके बाद ईयर 1997 में कुछ ऐसा हुआ कि एकता कपूर ने करीब करीब डिसाइड कर दिया था कि वो ये इंडस्ट्री छोड़ देगी। एक्चुअली उस दौरान एकता कपूर ने एक सीरियल पे काम किया था जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया लगा दिया था, लेकिन उस टाइम किसी भी चैनल से उस सीरियल के लिए अच्छी रेट ही नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट जो रेट एकता कपूर ने कोट की थी उससे बहुत ही कम रेट उन्हें मिल रही थी। तब उन्होंने अपनी मॉम शोभा कपूर से राय ली और शोभा कपूर ने ही उन्हें इंसिस्ट किया कि तुम थोड़े टाइम इस सीरियल को झेलो, कुछ टाइम बाद इसकी रेट अच्छी मिल जाएगी। एकता कपूर को इस सीरियल के कारण हर दिन 2 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मॉम के कहने पर थोड़े टाइम इंतजार किया और उसका फल भी मिला। जो रेट वो मांग रहे थे उससे कई ज्यादा रेट उन्हें ऑफर हो गई और फाइनली उनका सीरियल चल पड़ा। ये सीरियल था इतिहास। इसी दौरान एकता कपूर ने के नाम से एक सीरियल बनाया, ये सीरियल था कन्यादान। इस सीरियल को थोड़ा ठीक रेस्पॉन्स मिल गया और तभी से एकता कपूर का के अंदर विश्वास हो गया। इसी दौरान उन्होंने के नाम से और भी सीरियल्स बनाना शुरू कर दिए, जिसमें से थे कुंडली, कश्ती, कोशिश एक आशा, इस तरह के। और इसके बाद 2000 में एकता कपूर ने एक ऐसा सीरियल बनाया जिसने टीवी इंडस्ट्री को ही बदल दिया, साथ ही जो चैनल्स थे उनका माहौल बदल दिया और एक अलग ही तरह का शो तब से शुरू हो गया जिसको पूरी फैमिली देखा करती थी। और उस शो के बाद फैमिली में जो हाउसवाइफ्स हुआ करती थी, जिनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ किचन थी, इस शो के बाद उनकी घर परिवार में चलने लगी थी, उन्हें सुना जाने लगा था। ये शो इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया था। ये शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस शो ने हमें कई बेहतरीन स्टार्स दिए, जिसमें से एक है स्मृति ईरानी जो आज मिनिस्टर है। और अगर बात करें दूसरे स्टार की तो वो है रौनित रॉय। रौनित रॉय को एकता कपूर ने तब काम दिया जब वो इंडस्ट्री में फेल हो चुके थे और बड़े बड़े स्टार्स के सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे। तब एकता कपूर ने रौनित रॉय को इस सीरियल में काम दिया और इस सीरियल ने रौनित रॉय की लाइफ ही बदल दी। इनफैक्ट आज तक रौनित रॉय एकता कपूर को बहुत मानते हैं और कभी भी अपने सक्सेस का श्रेय एकता को देना नहीं भूलते हैं। इसके साथ एक और शो शुरू हुआ, कहानी घर घर की। ये दोनों ही शो टॉप TRPs के शो थे और इन दोनों ही शोज ने एकता कपूर को इंडस्ट्री में वो पोजिशन दे दी जिस पर वो आज तक कायम है। ये दोनों ही शोज एकता कपूर ने स्टार प्लस के साथ किए थे और 7 सालों तक ये शोज चलते रहे। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग डेली सोप्स का हिस्सा है। लेकिन स्टार प्लस के साथ एकता कपूर की ये लंबी पार्टनरशिप एक टाइम पर आकर टूट गई और तभी एकता कपूर को फिर से झटका लग गया, क्योंकि वो एक ही चैनल के भरोसे अब तक चल रही थी, उन्होंने ज़्यादा इधर उधर काम करना शुरू नहीं किया था। जब स्टार प्लस के साथ उनकी पार्टनरशिप टूटी तब उन्हें फिर से लाइफ ने एक रियलिटी चेक दिया कि क्या हम सही कर रहे हैं, हम एक चीज़ के भरोसे इस इंडस्ट्री में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से मना हो गया तो हमारी तो ज़िंदगी ही अटक जाएगी। तब एकता कपूर ने इस इंडस्ट्री में अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। और एकता कपूर को अपनी ये जड़ें फैलाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 7 साल से जो कंटेंट वो लोगों को परोस रही थी, लोगों को उनकी आदत हो गई थी और अब दूसरे चैनल्स भी एकता कपूर के कंटेंट की डिमांड करने लगे थे, इसीलिए उन्हें दूसरे चैनल्स के साथ पार्टनरशिप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इसके साथ ही अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ TV पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, वो अब फिल्मों में भी वेंचर करेंगी। वैसे इससे पहले भी एकता कपूर फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन कहीं वो को प्रोड्यूसर थी और फिल्मों में फिर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्में तो बनाई, ये फिल्में थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कृष्णा कॉटेज, क्या कूल है हम, शूट आउट एट वडाला, इस तरह की फिल्में। लेकिन अब 2007-08 आते आते तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो TV में भी फुल टाइम काम करेंगी। 2010 में आई फिल्म लव सेक्स और धोखा। एकता कपूर जब इस फिल्म के लिए काम कर रही थी तब लोगों ने कहा था कि तुम टीवी में चल रहे हो लेकिन फिल्मों में एक अलग काम होता है, फिल्में अलग तरीके से बनती है, ये कोई सास बहू सीरियल नहीं कि फटाक से बन जाए।
तब एकता का काफ़ी मजाक बनाया गया था, लेकिन उनकी इसी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद उसी साल उनकी फिल्म आई वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, और इस फिल्म को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एकता कपूर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो टीवी को भी बैलेंस करके चलती है, साथ ही अगर फिल्मों की बात की जाए तो वो कोशिश करती है कि कम से कम 5 फिल्में वो साल की दे, और वेब में भी अभी एकता कपूर का अल्ट बालाजी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बात करें अगर बॉलीवुड एक्टर्स विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत और प्राची देसाई की, तो ये एकता कपूर की ही देन है। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला चांस एकता कपूर ने ही दिया था। वहीं अगर बात करें एक्टर्स रोनित रॉय, स्मृति ईरानी, श्वेता तिवारी, राजीव खंडेलवाल, साथ ही साक्षी तंवर की, तो ये बेहतरीन एक्टर्स भी एकता कपूर ने ही दिए हैं इंडस्ट्री को। नो डाउट एकता कपूर ने काफ़ी लोगों को चांस दिया है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं कि एकता कपूर ही वो हैं जिनकी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है उनके एक्टर्स के साथ। कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें एकता कपूर ने चांस दिया, नाम दिया, लेकिन एक टाइम के बाद उन एक्टर्स ने एकता कपूर के साथ काम नहीं करने की कसम खा ली। स्मृति ईरानी, राजीव खंडेलवाल, रोनित रॉय और पुलकित सम्राट तो एकता कपूर के खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे। एकता कपूर अपने कंटेंट को लेकर जितनी फेमस है उतनी ही ज़्यादा फेमस है अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए। वो अपने सफ़र में अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही है। अक्सर एकता कपूर को अपने कपड़ों के लिए काफ़ी सुनना पड़ता है। वो जिस तरह की रिवीलिंग आउटफिट्स पहनती है उस कारण एकता कपूर को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है। साथ ही एकता कपूर को लेकर ये भी काफ़ी चर्चा रहती है कि वो एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। एकता कपूर ने अपने हाथों की सभी उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी है, और कई उंगलियों में उन्होंने डबल डबल अंगूठियाँ पहनी है, हाथों में बड़े बड़े ब्रेसलेट्स हैं। एकता कपूर के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब भी उनके साथ कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर काम करने के लिए आता है तो वो इंटरव्यू से पहले उनकी कुंडली देखती है। हालांकि एकता कपूर ऐसी बातों को रूमर्स बताती है। 2018 में एकता कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई अपने एक अजीब से क्लॉज को लेकर। एकता कपूर ने अपनी एक वेब सीरीज के लिए एक्टर के साथ ऐसा क्लॉज साइन करवाया जैसा इंडस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं करवाया। ये क्लॉज था न्यूडिटी क्लॉज, और ये क्लॉज एकता कपूर ने इसीलिए साइन करवाया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक्टर्स को स्टोरी बताई जाती है, जब उन्हें साइन किया जाता है, तब वो हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन जब वो इंटीमेट सीन करने का मौका आता है तब एक्टर्स पीछे हट जाते हैं। इसीलिए इस बार अपनी XXX वेब सीरीज के लिए एकता कपूर ने एक्टर्स को वो न्यूडिटी क्लॉज साइनिंग के टाइम पर ही साइन करवा दिया ताकि आगे चलकर एक्टर्स बदले नहीं। ऐसे क्लॉज को रखवाने के लिए एकता कपूर को इंडस्ट्री में बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। अब बात करते हैं एकता कपूर की शादी के बारे में। वेल, सब एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं हमेशा कि एकता कपूर इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद शादी क्यों नहीं करती है। और एक टाइम पर तो ऐसी भी खबर आई कि एकता कपूर और करण जौहर शादी करने वाले हैं क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, दोनों ही सक्सेसफुल है, दोनों ही सेम इंडस्ट्री से है, और दोनों ने ही लंबे टाइम से शादी नहीं की। साथ ही एज भी देखी जाए तो दोनों की आसपास ही है। दोनों के अफेयर्स के चर्चे कभी भी किसी के सामने नहीं आए हैं। बहुत टाइम तक ऐसा कहा गया कि एकता कपूर और करण जौहर शादी करने वाले हैं, लेकिन फाइनली ऐसा हुआ नहीं। जितेंद्र के बाद अगर उनकी फैमिली में कोई सक्सेस का स्वाद चख पाया है तो वो है एकता कपूर। इनफैक्ट एकता कपूर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि आज वो अपने भाई तुषार के लिए भी कई बार फिल्में बनाती है और अपनी कई वेब सीरीज में भी उन्हें कास्ट करती है। एकता कपूर ने अपनी लाइफ से जो कुछ सीखा उसे एग्जीक्यूट किया, और आज वाकई में इंडस्ट्री में उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि वो फिल्में बना रही हैं, वो टीवी के लिए कंटेंट बना रही है, वो डिजिटल के लिए कंटेंट बना रही है, साथ ही साफ़ सुथरा कंटेंट भी बना रही है और अडल्ट कंटेंट भी बना रही है। यानी कि कंटेंट की क्वीन है आज की डेट में एकता कपूर। एकता कपूर रिसेंटली सैरोगेसी के थ्रू माँ बनी और उन्होंने अपने बेटे को नाम दिया अपने फादर के नाम पर, रावी। कंट्रोवर्सी हो, कंटेंट हो, टीवी हो या फिल्में हो, एकता कपूर को कोई भूल नहीं सकता है, और वो इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल लेडीज में से एक है और सिंगल भी है। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना,
फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।